वेलकम टू माय चैनल। तो आज के जो वीडियोस में जो भी मैं बात कर लूंगी, जितने भी फिशेस के बारे में बताऊंगी, ये सारी फिश कैसी होगी, ब्रैकिश वाटर होंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो फिशेस सिर्फ ब्रैकिश वाटर में ही रहती हैं, वो सॉल्ट वाटर में भी रहती हैं, फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, लेकिन हाँ उनको ब्रैकिश वाटर भी पसंद आता है, ब्रैकिश वाटर को भी टॉलरेट कर सकती हैं। तो ब्रैकिश वाटर फिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एजेटस की बात करूंगी मैं इसमें। इसके अंदर मैं फैंडास गोभी के बारे में भी बात करूंगी और कोलंबियन शार्क के बारे में भी बात करेंगे और फिगरेट पफर के बारे में भी बात करेंगे, जो कि चारों फिशेज के बारे में बात करेंगे। और ये जो जितने भी फिशेज हैं ये सब कैसी हैं, एक्वेरियम फिश होती है, मतलब एक्वेरियम में ही रहती हैं। एक्वेरियम वाला इन्वायरमेंट पसंद आता है, कह सकते हैं लोग इनको एक्वेरियम में रखते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं ये जो फिशेज हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो बात करेंगे ब्रैकिश वाटर के बारे में, ब्रैकिश वाटर जो ब्रैकिश होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, ये ऐसा वाटर होता है जैसे कि आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जब मैं आपको इसका नोट्स का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप नोट्स आराम से डाउनलोड करिएगा और आज आराम से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। वहां पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपकी जो मदर टंग उसमें बताती हूँ। तो ये जो फिश होती है ये ब्रैकिश, मतलब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर होता है जो कि सॉसी वाटर से कम सॉल्टी होता है लेकिन सॉल्टी होता है। तो ऐसा वाटर जो कि सॉल्टी तो होता है लेकिन सी वाटर से कम सॉल्टी होता है। तो समझ लीजिए आप फ्रेश वाटर में अगर आप सॉसी वाटर को मिक्स कर देते हैं तो जो वाटर आपको मिलेगा वो ब्रैकिश वाटर कहलाएगा। तो इसी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और ऐसी फिशेज जो ब्रैकिश वाटर को टॉलरेट कर सकती हैं या ब्रैकिश वाटर उनको पसंद आता है, उनको ब्रैकिश वाटर फिश कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने आ रहे हैं यहाँ पे फैंडास गोभी के बारे में। तो फैंडास गोभी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं। द फैंडास गोभी इज फ्रॉम एशिया एंड इज आल्सो नोन एज द नाइट गोभी। इट इज बॉटम डवेलिंग फिश दैट हैज द टिपिकल गोभी अपीयरेंस विद अ ब्लंट राउंडेड नोज। तो फैंडास गोभी ऐसी फिश है, ये तो एशिया से है, एक तो इसका ओरिजिन कहाँ से, एशिया से है। इसको नाइट गोभी भी बोलते हैं हम लोग। और ये बॉटम डोलिंग होती है, मतलब कि ये पानी के नीचे रहना उसको पसंद आता है, ठीक है। और इसको गोभी अपीयरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फिश होती है बहुत ही शाई होती है, शर्मीली होती है और बहुत जल्दी ये डर जाती है, बहुत जल्दी इसके डर जाती है, स्केयर हो जाती है। तो इसकी नोज कैसी होती है, ब्लंट होती है, राउंडेड टाइप की इसकी नोज पाई जाती है। तो इसलिए इसको गोभी कहेंगे क्योंकि बहुत जल्दी डर जाती है और एक शाई फिश है ये। इट कैन बी केप्ट इन बोथ फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर एंड टेंड्स टू डू बेटर विद सम सॉल्ट इन द एक्वेरियम वाटर। तो ये इसको फ्रेश वाटर में भी रख सकते हैं हम लोग, ब्रैकिश में भी रख सकते हैं हम लोग। और ये जैसे कि एक्वेरियम में मान लीजिए आप फ्रेश वाटर आपका एक्वेरियम में, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए तो वैसा जो वाटर होता है वो वाटर भी उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज ए शाई फिश डैट विल अप्रिशिएट बोथ लाइव एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स डैट इट विल यूज फॉर हाइडिंग। तो एक फिश कैसी है, शाई फिश है, और आर्टिफिशियल प्लांट आपने एक्वेरियम में लगा दीजिए या लाइव प्लांट भी रहेगा तो दोनों में वो रह सकती हैं। और क्या करती है, प्लांट्स के पीछे जाकर हाइड हो जाती है, क्योंकि मैं बताया था कि बहुत ही शाई फिश होती है ये। द मेल्स ऑफ दिस स्पीसीज हैव लार्जर फिंस व्हाइल फीमेल्स आर स्मॉलर एंड कलर लाइट येलो। जो मेल्स होते हैं फिंस जो होती हैं फीमेल के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनकी फिश जो होती है मेल के मुकाबले छोटी होती हैं और लाइट येलो कलर की ये होती हैं इनके फिश होते हैं। तो ओरिजिन तो इसका एशिया का है और ये बहुत ही पीसफुल फिश होती है, एग्रेसिव नहीं होती, पीसफुल होती है। ब्लैक येलो ब्लू ग्रीन और सॉरी ब्लैक ब्लू क्लियर रेड वाइट इसका कलर होता है, ओमनीवोरस ये होती है और गोबिडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। तो ये फिक्स फिश का क्या है, फिगर है फैंडास गोभी का। ये बहुत ही पीसफुल फिश होती है, ओमनीवोरस होती है ये, गोबिडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ब्लैक फिन शार्क के बारे में। द फीमेल कोलंबियन शार्क विल ले द एग्स एंड द फीमेल विल इंक्यूबेट देम इन हिज माउथ टू प्रोटेक्ट देम। तो फीमेल कोलंबियन शार्क है, इसको ब्लैक फिन शार्क बोलते हैं, ये क्या करती है, फिर अपना एग को ले करती हैं और जो मेल होते हैं उस एग को अपने माउथ में रखते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ एक टेम्परेचर वो दे सकें उस एग को, जो टेम्परेचर एग को चाहिए हैचिंग के लिए, दोनों चीज़ के लिए वो रखते हैं अपने माउथ में। और इसको हम लोग ब्लैक फिन शार्क भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया अभी।
इसके साथ साथ दे लिव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ, मतलब ये फ्रेश में भी रह सकती हैं, सॉल्ट वाटर में भी ये फिश रह सकती हैं। और ये क्या है, ये इस फिश का फिगर है, आप देख सकते हैं। तो ये जो फिश होती है, ब्लैक क्वीन शार्क के बारे में बता रही हूँ, ये भी ओमनीवोरस होती है, व्हाइट येलो का कलर होता है, डिफरेंट कलर है इनमें, पीसफुल होती हैं और एरिडी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके बाद बात करते हैं मोनो अर्जेंटस के बारे में। मोनो अर्जेंटस जो है, इसको डायमंड शेप की फिश होती है। मोनो अर्जेंटस ये डायमंड शेप सिल्वर कलर एंड हैज टू ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द फ्रंट ऑफ हाफ ऑफ द फिश। द डॉर्सल फिन हैज अ येलो टिंट विद अ ब्लैक आउटलाइन। तो मोनो अर्जेंटस जो होती है, ये डायमंड शेप की होती है, सिल्वर कलर की होती है, और इसका जो फिन होता है येलो कलर का, उसमें रंगत होती है येलो कलर वो होता है, जिसमें ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है। तो इस टाइप की ये फिश होती है मोनो अर्जेंटस। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनो भी कहते हैं इस फिश को हम लोग, और फिंगर फिश भी बोलते हैं, मतलब कि इसके दूसरे नाम भी होते हैं। द मोनो अर्जेंटस स्पॉन्स इन द सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशन, मतलब ये सॉल्ट वाटर जो होता है ओशन का, वहां पे ये स्पॉन कर देती हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस एंड देयर ब्रीडिंग हैबिट्स आर नोन, मतलब ये ब्रीडिंग हैबिट का और डिफरेंसेस का कोई बारे में भी पता नहीं है, और नोन है वो। एंड ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम ब्रैकिश टू सॉल्ट वाटर विल मैक्सिमाइज द कलरेशन एंड द हेल्थ ऑफ द फिश एज दे बिकम ओल्डर, मतलब कि क्या करती है ना, कि फ्रेश वाटर में जा चली जाती है, और सॉरी सॉल्ट वाटर में इसे चली जाती है, वो ब्रैकिश वाटर में भी चली जाती है। तो सॉल्ट वाटर में ज्यादा, ब्रैकिश वाटर में जाने से क्या होता है कि वक्त के साथ जैसे वो ओल्ड होती रहती है, तो उनके बॉडी का कलर, हेल्थ, ये सब चेंज होता रहता है, क्योंकि बाबा माइग्रेट करती है इधर उधर। तो ये फिश का क्या है, फिगर है, आप देख सकते हैं, डायमंड शेप की ये फिश है, इसका जो फिन है येलो कलर का है, सिल्वर कलर की फिश होती है। इसके साथ साथ इस फिश के बारे में बता देती हूँ आपको, ये जो मोनो एजेंटस होती है, इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, ये पीसफुल नहीं होती, ये सेमी अग्रेसिव होती है, सेमी अग्रेसिव होती है। ओरिजिन इसका थाईलैंड को होता है, थाईलैंड की ये ओरिजिन है, व्हाइट कलर है, ओमनीवोरस होती है, और मोनो डैक्टिली डैक्टिलिडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं लास्ट में फिगर एट पफर के बारे में। देखिए, फिगर एट पफर जो फिश है, तो ओरिजिनेट इन द फ्रेश वाटर ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया की फ्रेश वाटर में इनका ओरिजिन होता है। एंड ऑल्दो दे टॉलरेट ब्रैकिश और इवन फुल सॉल्ट वाटर, लेकिन फिर भी ये ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर को अच्छे से टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। ओरिजिन इनका किस में, फ्रेश में, फिर भी ये आराम से उसको टॉलरेट कर सकती है। दे मे फेयर बेटर इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में लेकिन ज्यादा अच्छी रहती है ये जो फिश होती है। द फिगर एंड पफर इज डार्क ब्राउन टू ग्रीन ऑन द बैक विथ अ व्हाइट अंडर साइड। दिस फिश हैज मेनी येलो लाइन्स एंड स्पॉट्स कवरिंग द बैक साइड। तो फिगर एंड पफर कैसी होती हैं, डार्क ब्राउन से लेकर ग्रीन कलर भी इनका हो सकता है बैक साइड पर, और व्हाइट अंडर साइड पर ये रहती हैं, और फिश में येलो लाइन्स भी होती हैं, स्पॉट्स भी होते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें येलो लाइन्स पाई जाती है फिश में, बैक साइड पर बहुत सारे स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। तो ये फिश का क्या है, इमेज है, आप देख सकते हो, बहुत सारे इसमें ब्लैक क्या कैसे लाइंस पाई जाती हैं, येलो लाइंस पाई जाती है इस फिश पे बहुत सारे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो फिश होती है ये कार्निवोर होती है, और येलो व्हाइट ग्रीन ऐसा इनका कलर होता है, एग्रेसिव होती है ये फिश। ओरिजिन इनका एशिया का होता है, और इसकी जो फैमिली है वो है टेट्राओडोन टीरी, इसकी फैमिली है। तो ये सब फिश कैसी है, एक्वेरियम फिश होती है, एक्वेरियम में रहने वाली फिश होती है। थैंक यू।